I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. Come and show me the way. थॉट बहुत अच्छा लगा नेविगेशन हैंग हो जाता था। हे गाइस गुड आफ्टरनून। सो मैंने दो कम्युनिटी पोस्ट डाला था इससे पहले, तो मैंने मल्टीपल कार्स डाली थी और सभी का जो चॉइस था वो अल्ट्रॉस था। पहले वाली कम्युनिटी पे 60% आया था लोगों को अल्ट्रॉस के बारे में रिव्यू चाहिए था। जो सेकंड पोस्ट डाली थी उसमें भी 59% आप लोगों ने वोट किया था अल्ट्रॉस का रिव्यू डालने के लिए। तो हियर आई एम और ये हमारे नीलेश जी। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल होने वाला है। अपने वर्क स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग को पूरा जो एक्सपीरियंस है वो नीलेश जी शेयर करेंगे। तो फिलहाल मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ और जितना बाहर का काम है वो निपटा लेते हैं, फिर अंदर जाके हम लोग आपसे बात करते हैं। बिल्कुल गाइस, सो पहली बार शायद मैं अपने स्टूडियो पे शूट कर रहा हूँ और इससे पहले कोई वीडियो मैंने स्टूडियो पे शूट नहीं किया हुआ है। नीचे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था और बहुत ज्यादा लोगों का ये कॉमेंट होता था कि आवाज में प्रॉब्लम है या फिर पीछे नॉइज है। तो इससे पहले मैं GoPro में शूट किया है मैंने, जो नीचे का देखा आपने। उसके बाद ये मेरा मेन कैमरा है जो मार्क 3 है, अगर कोई जानना चाहता है मार्क 3 कैमरा वो यूज कर रहा हूँ। साथ में ये जो साइड में लगा हुआ है ये हमने माइक का यूज कर रहे हैं। तो नीलेश जी और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब साउंड का कोई इश्यू नहीं होने वाला, तो इनसे हम ढंग से बात कर सकते हैं ताकि अगर आपको कोई अल्ट्रॉस लेनी है तो आपको एक डाउट जो दिमाग में आपके क्लियर हो जाए। तो नीलेश जी से बात करते हैं और नीलेश जी से पहले हम मिल चुके हैं सर्विस सेंटर पे, उनका एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, लेकिन ये प्रयागराज अलाहाबाद इसका पहले नाम था, वहां पे जाके और लखनऊ गए, फिर वहां से दोबारा इलाहाबाद, फिर दिल्ली आए हैं। तो करीब इन्होंने 3000 किलोमीटर का करीब अराउंड हो गया। तो इन्होंने मई में ली थी गाड़ी, तो जो एक्सपीरियंस है इनका काफी कुछ, जैसे आप गाड़ी चलाते जाते हैं तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है। ये भी लगता है अच्छा ये भी है, ऐसा भी है, अच्छा ये इश्यूज है, ये प्रोज है, तो वही शेयर करने के लिए आए हुए नीलेश जी। होप ये आपको बहुत हेल्पफुल हो एंड थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू सो मच। और गाड़ी मैंने को बताई दिया मई में ली थी आपने, 4000 करीब आपने चला लिया, और जो लास्ट ट्रिप इन्होंने किया था ये 2-4 दिन पहले वापस आए, इलाहाबाद का था, लखनऊ इलाहाबाद 3000 किलोमीटर करीब इन्होंने ड्राइव किया। तो पहले हम बात कर रहे थे इसमें अच्छी चीजें क्या लगती है इस गाड़ी में। भाई सबसे अच्छी चीजें इसमें लगती है कंफर्ट, क्योंकि मैं शर्ट पैंट पहन के गया था और 16 घंटे ड्राइव किया। 16 घंटे के बाद सिर्फ मेरे पैर में थकावट थी, क्योंकि वो नीचे आपका पैर होता है और ब्लड सर्कुलेशन पूरा ऊपर नीचे हो नहीं पाता, ठीक है। और बीच बीच में हम लोग करीब करीब 2.5-2.5 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक ले लेते थे, लेकिन बाद में मतलब 8 घंटे के बाद हम गाड़ी को रेस्ट देना भूल गए। अच्छा। गाड़ी लगातार एसी ऑन है, तो एक सर्टेन मोमेंट पे क्या हुआ कि गाड़ी में लिख के आया, इंफोटेनमेंट सिस्टम पे लिख के आया कि टेक ए कॉफी ब्रेक। अच्छा। और कॉफी का वो सिंबल बन गया, तो मुझे याद है कि यार इसको भी रेस्ट देना है। अब अनफॉर्चुनेटली वो उसमें पिक्चर नहीं ले पाए, लेकिन अगर लगातार ड्राइव करते हो आपने रेस्ट नहीं लिया तो आपको वो शो करता है MID पे प्लीज टेक अ कॉफी ब्रेक। ये एक फीचर है जो आपको बताता है कि आपको रेस्ट लेना भी जरूरी है, आपके साथ साथ आपकी गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए। थैंक यू। यस, उसके बाद फिर मुझे मेरे मन में एक पॉइंट था, एक डाउट था कि ऐसा ना हो कि नई गाड़ी है अभी सिर्फ 1000 किलोमीटर, वो भी मैंने लॉकडाउन में जबरदस्ती चलाया है और इतना लंबा ट्रिप में ले रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली कुछ अगर गड़बड़ी आती है गाड़ी में तो मैं उस समय क्या करूंगा। वो एक रेस मन में था, लेकिन ये था कि जब 100-200 किलोमीटर चल गई ना तो मुझे खुद कॉन्फिडेंट आ गया कि ये अब कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि पहले मैं ये यमुना एक्सप्रेसवे जो है इस पे अपनी गाड़ी ले गया, यहाँ से फिर जो लखनऊ वाला हाईवे थोड़ा सा उस पे चल के फिर कानपुर वाले हाईवे पे चले गए। हाँ, तो लेकिन जब यमुना एक्सप्रेसवे पे भी मैं अभी तक मैंने कोई भी गाड़ी जो है वो 100 के आसपास नहीं चलाया था, तो इस गाड़ी को नई भी थी तो मैं वहां पे जो स्पीड मेंटेन किया था वो ऐसे ही 70-80, क्योंकि फैमिली भी साथ में थी तो 70-80 मेंटेन करके चल रहे थे। लेकिन मुझे अच्छी बात सबसे ये लगी कि यहाँ पे तो लोकल में रोड पे चलाते हैं तो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, फिर हम स्लो करके उसको पास करने की कोशिश करते हैं। अब हाईवे पे 80 की स्पीड में अचानक से गड्ढा है तो क्या चीज़ है, तो आप ब्रेक तो मार नहीं सकते, पीछे से गाड़ी आ रही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर एक गड्ढा है और थोड़ा बड़ा भी है ना तो वो ऐसे पास हो जाएगा, पर धक सी आवाज आएगी लेकिन जर्क भी अंदर नहीं आएगा और पूरी
गाड़ी आपकी निकल जाए। इसका मतलब इसका सस्पेंशन है बहुत अच्छी तरह सेटअप है और जो गड्ढे वगैरह आपको उतने ज्यादा पता नहीं चलेंगे। हाँ, स्पेशली हाई स्पीड पे मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि अगर आपका ब्रेकर भी आता ना, मतलब मैं जब लखनऊ वाले रोड पे इलाहाबाद से लखनऊ के बीच में चला रहा था तो वो होता है फोर स्टेप ब्रेकर होता है, एक दो तीन चार एक साथ में होते हैं, वो मैंने डायरेक्टली डक कराया हुआ है, कोई इशू नहीं है, पहले से स्मूथ करके दर 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 करके निकल गई तो अंदर वो जर्क नहीं है। अगर वो वैसी कोई गाड़ी होती है तो पूरी बॉडी हिल जाती है। प्लस दूसरा मुझे माइलेज का भी था, माइलेज का भी देखते हैं माइलेज कितना निकलता है। अच्छा ठीक है, तो मेरा जो जाते समय 709 किलोमीटर ट्रिप था यहाँ से इलाहाबाद इलाहाबाद का, वो मैंने स्नैपशॉट ले लिया है और वो 19 से 19.5 के आसपास एवरेज उसने दे दिया है। अच्छा। जिसमें कंटिन्यूअस एसी चल रहा था, एसी वो भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे, ठीक है, और हम बीच बीच में रोकते थे गाड़ी, जैसे आपको मैंने बताया बंद नहीं करते थे, वो बीच में रुकी हुई गाड़ी चलती थी। हाँ, तो उस हिसाब से ओवरऑल 19 का उसने दिखाया जो कि मुझे सही लगा, कोई इशू नहीं लगा कि हाँ। हाँ, ये था कि बीच में जहाँ मुझे चांसेस मिले थे वहाँ क्रूज कंट्रोल मैंने यूज किया था विद इको मोड। इसका इको मोड भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा स्पोर्टी गाड़ी की तरह, बीच में आपको जो ब्रेक और वो सब यूज करना है नहीं तो आप इको मोड पे डाल दो। दूसरा, हाँ, क्रूज कंट्रोल आपने डाला, पैर हटा के बैठ गया क्योंकि जो अजीत भाई से बात हुई थी लास्ट में जिन्होंने अल्टोस का रिव्यू दिया था, उनका भी यही था, वो भागलपुर गए थे दिल्ली से और उन्होंने कहा था कि वो आलती पालती मार के बैठ गए थे क्रूज कंट्रोल एकदम से, ये इनको ना बहुत उनको अच्छा फीचर लगा था। अच्छा, माइलेज आपने 19 प्लस बताया विच इज रियली गुड, मोस्टली हाईवे पे चल गया। हाँ, अभी आपको मैं रिटर्न का बताऊंगा, ठीक है, जो अभी वीडियो में आगे चलेंगे तो मैं रिटर्न का भी बताऊंगा उस टर्म्स में कि रिटर्न में कितना अचीव किया, वो इससे ज्यादा था। अच्छा, रिटर्न का ज्यादा। हाँ हाँ, और एक्चुअली जाते समय फैमिली थी तो मेरा भी कंसर्न था कि भाई बड़े आराम से धीरे धीरे चलना है, बहुत भगाना भी नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें थी। प्लस क्रूज कंट्रोल का एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, क्रूज कंट्रोल मेरे माइंड में था, हो सकता है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कि वो 60 स्पीड के ऊपर एक्टिवेट होता है। अच्छा ठीक है, बट उसमें मैसेज आता है जैसे आपने 60 के नीचे इनेबल किया है, उसको ऑन कर दिया, अभी आपने सेट नहीं किया, तो आप जब उसको प्लस करने की कोशिश करते हो कहता है गियर चेंज करो फिर हम पिक करेंगे, ठीक है, तो उसका मीनिंग है मैंने फोर्थ गियर में जब रखा और उससे क्रूज कंट्रोल ऑन किया तो वो 60 के नीचे भी इनेबल हो गया। अच्छा, अगर आप चाहते हो 50 की स्पीड मेंटेन कर रहे हो और स्ट्रेट रोड है आप उससे ज्यादा नहीं चला सकते तो वो भी कवर करता है, लेकिन वो गियर रिस्पेक्टिवली उसी गियर पे रखना। हाँ, आप 60 के नीचे फोर्थ में कर सकते हो और 60 के ऊपर फिफ्थ में। थर्ड में मैंने नहीं चेक किया, थर्ड में वो आ भी नहीं रहा था इनेबल करने के लिए, तो मुझे ये चीज नया पता चला कि थर्ड पे मेरे ख्याल से कोई क्रूज कंट्रोल करता नहीं है, वो एफिशिएंट वे होगा भी नहीं। प्लस जो ब्रेकर होते हैं रास्ते में जो बहुत ऊंचे नहीं होते, जो नॉर्मली ब्रेकर होते हैं, उसमें कहीं गाड़ी लगी नहीं, मतलब वो अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो। हाँ, वो बात है जो बड़े गड्ढे थे जिसमें हम स्लो में जा रहे हैं उसमें मुझे 1% होता था कि शायद लग जाए। अच्छा ठीक है, तो हाँ, मैं बचा के चलाता था, ठीक है, तो मुझे वही था कि अगर मैं अचानक से ले जाता तो शायद लग जाती, वो चीज मैंने टेस्ट नहीं किया और एक दो जगह ऐसा हुआ कि अचानक से कोई बड़ा सा अगर गड्ढा या कुछ है तो बहुत माइनर सी डब की आवाज आई, अब शायद सस्पेंशन का हो सकता है या फिर वो कहीं भी लगा हो, एक दो बार ही हुआ। हाँ, बाकी मैं खुद बचा के चलाया हूँ तो इसलिए नहीं आया, वो ये भी हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न गाड़ी देखो अच्छी है, मुझे भी इसका लुक अच्छा है, इसका एवरेज वगैरह काफी लोग इसे पसंद करते हैं, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा इसका जो रिव्यू वो चाहिए भी, लेकिन मेरा मेन कंसर्न यही रहता है कि जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है भले नहीं लगती है गुड इनफ, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आ जाती है तो वहां पे आपको फेस करना पड़ता है, तो उसमें एक ही चीज हो सकती है कि आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, अगर कोई बम्प है बहुत बड़ा अगर उसको आराम से निकालो तो टच नहीं हुआ चला जाएगा, लेकिन जब पता नहीं अचानक से बम्प आ गया तो गाड़ी जाएगी तो उसमें लगेगा। हाँ, तो आपको लगता है ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा डिसएडवांटेज है? हाँ, डिसएडवांटेज थोड़ा सा है क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना एक बार हुआ था कि जब मैं तेजी से निकाला तो हल्का सा वो इशू आया, मतलब टर्म से आवाज आई, तो मुझे लग गया कि भाई वो इस चीज में अलर्ट रहना। हाँ, तो इस चीज में फिर अलर्ट रहा। उसमें बारिश हो रही थी, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, तो एक समय ऐसा आया कि मुझे राइट और लेफ्ट का जो व्हाइट होता है जो मार्कर होता है और राइट का डिवाइडर नहीं दिख रहा था, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। देखिए मैंने डिफॉगर भी ऑन कर रखा था, ठीक है, उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर है तो वो भी सेंस के हिसाब से बहुत फास्ट वर्क कर रहा था पीछे, इतना सब कुछ करने के बाद मतलब सारे फीचर्स ऑन है आपके गाड़ी के और फिर भी जीरो विजिबिलिटी, ऐसे में तो बहुत रिस्की हो जाता है सिचुएशन में, तो आपने बहुत अच्छा किया। और आपको भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जरूर साइड में रोक लो, रिस्क लेने से अच्छा है कि थोड़ी देर रुकी जाओ,
मैंने ये भी सोचा ना कि मेरे पास इतने फीचर हैं, डिफॉगर है, रेन सेंसिंग वाइपर है, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो अगला आगे पीछे जो गाड़ी है उनको कैसे फीचर नहीं, फीचर नहीं उनको क्या दिख रहा होगा। तो जो डिफॉगर है रेन सेंसिंग उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, बहुत पड़ा, जैसे कि जो अगर आप नहीं ऑन करते ना तो आपको तो ग्लास के बाहर भी नहीं दिख रहा है, अगर आपने ऑन कर लिया तो एटलीस्ट सामने दिख रहा है कि दिख तो रहा है। इसमें एक चीज ये था कि जो इसके टॉप मॉडल जो लेते हैं ना उसमें ढेर सारे फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो इसमें एआई कंट्रोल है पूरा, कि आपको जो खुद से सेंस करके चीजों को बताता है। और एक जो हमारा ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी हम टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट किया, ठीक है, तो इसका मुझे बेनिफिट ये लगा कि जब आप ड्राइव करते हैं ना लॉन्ग ड्राइव, मान लीजिए आपने चला दिया 500-600 किलोमीटर, तो आपका इतना भी मन नहीं करता कि आप पैर हटा के बंद करो गाड़ी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि आप पैर हटाया आपने और गियर को न्यूट्रल किया, जैसे हैंड ब्रेक खींचा अपना बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है, आप रिलैक्स हो गए। आई कैन रिलेट टू इट, जब लॉन्ग ड्राइव करते हो इतना ड्राइव करना आपको वास्तव में बंद करने का मन नहीं करता, तो ये फीचर यहाँ पे हाँ काफी यूजफुल हुआ है। अब ये है कि इसमें ऐसे पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत है, लेकिन मैं बात करूंगा तो लगेगा कि मैं ऑनर हूँ इसलिए पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा कर रहा हूँ, तो इसका आप यहाँ से नेगेटिव पॉइंट भी छोटे छोटे शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है, मुझे ये लगा कि मेरा हर 1-1.5 घंटे के बाद जो ट्रिप पे जा रहे थे 2 घंटे के बाद नेविगेशन हैंग हो जाता था, हर डेढ़ घंटे के बाद, तो ये हुआ करीब 3 या 4 बार। अच्छा। फिर मुझे लगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैंने फिर वो फोन डिसकनेक्ट कर दिया, फोन को रीस्टार्ट कर दिया, फिर वापस से कनेक्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद जब वापस से कनेक्ट किया तो ये हुआ 1-2 बार ही हुआ उसके बाद। अच्छा। पूरी तरह से नहीं हुआ, तो मुझे लगा है तो फोन की वजह से हो सकता है, या तो इन्फोटेनमेंट जो उनका नेविगेशन सिस्टम है उसके, उसमें क्या होता था कि वो वहां पे फ्रीज हो जाता था, पता लगा बहुत आगे निकल गया हूँ और वो वहीं पे पिक्चर दिखा रहा है। नहीं नहीं, आपको रोकना चाहूंगा। कल जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं, निक्सॉन एल्ट्रोज एटियागो जिनको लेना है, क्वेश्चंस होता है, तो निक्सॉन के ये बहुत मुझे बहुत बार ये सवाल आया, बहुत लोगों ने ये पूछा है कि जो इसका नेविगेशन है वास्तव में फ्रीज होता है, दैट मीन्स अगर आपको कहीं पे टर्न दिखा रहा है जब आगे पहुंच जाओगे तो 4-5 सेकंड के बाद वो टर्न बताता है, या फिर कभी कभी तो पूरी तरह फ्रीज आता है। तो ये सिर्फ अल्ट्रोस के साथ नहीं है, जो इनका टाटा का टस्किन है मुझे लगता है उसी के साथ इशू है। उसके बाद ना मेरा फोन भी, जैसे आप फोन भी यूज कर रहे हो ना, वो लैग आपको फोन में मिल रहा है, वो लैग वहां भी मिल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ कभी जैसे मैं जा रहा हूँ, दिखा रहा है कि 73 किलोमीटर रिमेनिंग, और 5 मिनट ड्राइव किया, 10 मिनट ड्राइव किया, 15 मिनट ड्राइव किया, फिर 73, फिर 15 मिनट और ड्राइव किया, फिर 73, तो लगता है ये हैंग हो गया, ठीक है। फिर उसको केबल निकाला, वापस लगाया, प्ले किया, तो सही हो गया, फिर अपडेट हो गया, काफी टाइम तक चला। इसका जब मैंने रीजन निकाला तो रीजन मुझे ये समझ में आया कि जो अवसाद हो सकता है, माइट बी आई एम नॉट राइट और रॉन्ग, कि वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे लेता है, और आप जब एक बार नेविगेशन के साथ ऑटो प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले आपने कनेक्ट कर दिया, तो आप अगर उसी नेविगेशन में जाके जैसे जो एप्लीकेशन दिखा रहे हैं ना, जैसे कि ये यूट्यूब हो गया, यूट्यूब म्यूजिक ऐप हो गया, उससे आप जाके उसने गाने आपने प्ले किया, ठीक है, वहां जाके प्ले किया, तो आपका हैंग नहीं होगा। अच्छा। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने फोन के अंदर किसी एडिशनल ऐप से प्ले किया, तो वो और वो रूट कर रहा है ब्लूटूथ के साथ, मतलब ब्लूटूथ में 2 चैनल हो गए, एक वो अपना इंटरनल कम्युनिकेशन, एक बाहर से इस पे कम्युनिकेशन, तो वो इस सिचुएशन में हैंग हो जाता है। लेकिन ये मैं सही हूँ या गलत, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा करके मैंने अचीव कर लिया। अच्छा, इसका मतलब ये कह रहे हो कि अगर जो फोन पे जो भी चलाते हो तो डबल लिंक ब्लूटूथ का कर रहा है, तो इसकी वजह से हैंग हो जा रहा है। yes, तो आप करो इंटरनल जो एप्लीकेशन चलाओगे, हाँ, उसमें उससे कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं जब वापस आ रहा था तो लखनऊ से, तो मैंने यही टेस्ट किया, वापस आते समय मैंने अंदर से जो यूट्यूब म्यूजिक ऐप होता है उसमें दिखा रहा था, वहां से प्ले किया, तो रास्ते में स्मूथ चला, कोई टेंशन नहीं हुआ, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो अगर आपके पास अल्ट्रोज है या फिर निक्सॉन है और टेस्किन में यही अगर आपको इशू आ रहा है या फिर कोई डिफरेंट इशू आ रहा है, जो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, इससे क्या होना कि जो लेने वाले लोग हैं उनको काफी हेल्पफुल हो सकता है, और टाटा को ये जल्दी से जल्दी अपडेट करना चाहिए अगर ये इशू है तो। एक क्रूज कंट्रोल का एक और इसमें फीचर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप क्या करते हो, जब अगर हम चलाते हैं गाड़ी तो हम एकदम से एक्सलेटर से हमें 90 अचीव करना है, एकदम से एक्सलेटर पुश करते हैं और गाड़ी थोड़ी देर में वहां तक पहुंच जाती है। अब आपने क्रूज कंट्रोल मान लीजिए 80 पे ऑन किया और आपने प्लस प्लस करके 90 या 95 कर दिया, और ये क्या करता है, इको मोड पे है तो ये स्मार्टली धीरे धीरे थ्रॉटल देता है, आपको धीरे धीरे वहां पहुंचाएगा, तो उसका फायदा ये आपका होता है, आपका माइलेज ड्रॉप नहीं होगा एकदम से।
ये और कोई कॉन्स आपको इसमें लगता है कि इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा लाइटिंग के मामले में, जैसे मेरा लाइट टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में मेरा इसमें क्या कहते हैं हैलोजन लाइट भी है, वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी है, लेकिन येलो लाइट है इसकी। अब येलो लाइट हो सकता है टाटा ने इसलिए दिया हो क्योंकि फॉग टाइम पे जो फॉगिंग होगी तो बहुत हेल्प करेगा इस तरीके से, लेकिन जो इसकी लाइट है जो इसका जैसे कि ना अगर आप हाईवे में जा रहे हो लाइट इसको ऑन कर दो पूरा बिल्कुल दूर तक है इसका डेप्थ। हाँ, लेकिन अगर व्हाइट होता है, इसमें व्हाइट का भी ऑप्शन होता कि कोई एक लाइट व्हाइट भी कॉम्बिनेशन होता तो मुझे लग रहा था और इनहेंस करता तो अच्छा लगता। हाँ, बहुत अच्छा लगता। तो प्रोजेक्टर है लो बीम, उसका थ्रू कैसा लगता आपको? फिर मुझे इसका उतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू बलिनो। अच्छा, तो लो बीम जैसे मैंने पूछा था निक्सॉन में अगर बात करूँ तो निक्सॉन का जो लो बीम है ना बहुत बेकार है, लेकिन उसका हाई बीम बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो जो भी निक्सॉन लेता है तो उसको बल्ब को अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ेगी, हाई बीम में नहीं लो बीम में, जो रिफ्लेक्टर में इज गुड वेरी गुड, लेकिन जो लो बीम में बल्ब लगा हुआ है मेरे ख्याल से ज्यादा पावरफुल नहीं है तो लाइट बिल्कुल नहीं दिखाई देती। क्या अल्ट्रोज में भी ऐसी है? अल्ट्रोज में वो मैंने फेल किया है, लो बीम में मुझे भी इशू लगता है थोड़ा सा, कहीं कहीं मुझे क्या लगता है कि हाई बीम में ऑन कर देता हूँ कहीं मुझे इशू आ रही है तो, लेकिन ये है कि हाई बीम इतना पावरफुल है कि जो दूर तक अभी होता है ना हाईवे पे जो पोस्टर लगे होते हैं उसमें वो होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत दूर तक वो कैच कर लेता है, दूर से चमकने लगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ चीज। लेकिन मेन टेंशन यही है कि जब आप हाई बीम में चलाते तो एक कंसर्न रहता है दिमाग में तो आगे चलाने को परेशानी होगी, तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लो बीम में ही रखें, तो ये मैंने इसलिए पूछ लिया था। अच्छा, तो अभी तक इतनी बातें हो गई और साथ में चाय वगैरह भी पी रहे हम लोग, तो कौन से भी हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जाते समय फैमिली गई थी पूरी, तो पीछे कितने लोग बैठे थे कार पे? पीछे मेरी वाइफ और बेबी थी, आगे आगे। अच्छा, कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया आपके साथ कि आपको पीछे तीन बैठाने हो, ऐसा कोई सिचुएशन आया पूरी ट्रिप में? मैंने ट्रिप में नहीं, ट्रिप में तो इतने ही लोग थे, बट अगर वैसे मैंने पूरे पांच लोग बैठा के चलाए हुए हैं तो गाड़ी थोड़ी सी दबी हुई फील होती है, दब जाती है, पूरा लोड होता है, इसका तो ग्राउंड क्लीयरेंस और कम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा कम हो जाएगा। और पीछे क्या तीन लोग के लिए कम्फर्टेबल है? हाँ, तीन लोग कम्फर्टेबल, इसमें स्पेस काफी अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा अगर मैं कोई कहेगा इस गाड़ी में तो कम्फर्ट को दूंगा, दस में से दस देता, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर। हाँ, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर। वंडरफुल। अच्छा, ये हो गया। और इसका जो एसी का परफॉर्मेंस है, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ से आप इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, फिर उसके बाद फिर दिल्ली आए, तो एसी का परफॉर्मेंस कैसा? एसी का कोई इशू मुझे आया ही नहीं, और मैं वैसे भी कम 28 के आसपास मेंटेन मतलब उसमें सेट कर देता हूँ ऑटो में, कि वो 24 देता है लेकिन मैं फिर भी 28 सेट कर देता हूँ। अब मैं 28 में सेट कर देता हूँ तो सबसे अच्छी बात इलेक्ट्रिक से आपने गाड़ी स्टार्ट की वो अपने आप मेजर कर देता है कितनी जरूरत है, फैन और स्पीड तेज कर देता है और वो मेंटेन कर देता है विद इन द 5 मिनट, वो अचीव कर लेता है कि ये 28 में मेंटेन कर देता है। फिर उसका 28 पे चलता है तो पता भी नहीं चलता एसी चल रही है, वो तो जब बाहर निकलते हैं तब फील होता है कि यार एसी चल रहा था, क्योंकि लगातार एसी चलते रहना यूज हो जाते तो नहीं होता, जैसे घर पे भी आप एसी चलाते हो तो उस रूम पे जहाँ पे एसी चला है ठीक है, लेकिन जैसे बाहर आप वॉशरूम जाते हो इधर जाते हो तब लगता है बाहर कितनी गर्मी है। सिमिलर, थैंक यू सो मच। तो एसी का हमने बात कर लिया, ग्राउंड क्लियरेंस तो हमने बात कर ही ली है क्योंकि थोड़ा कम है ना, लेकिन चल जाता है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ पे बड़ा हम पे वहाँ पे ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ेगी। और इनका टॉप एंड है तो 16 इंच के टायर आते हैं तो बहुत यूजफुल हो जाता है बम्प वगैरह पे, ब्रेकर वगैरह पे, बहुत ज्यादा अंदर जो जर्क है जो वो फील नहीं होता। जाते समय इन्होंने बता दिया 19 का माइलेज इनको जाते समय आ रहा था, अब आते समय थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है वो बताएंगे निलेश जी की, आते समय जो माइलेज है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि और क्या क्या चीजें ये शेयर करना चाहते हैं यूजर को। अगर उसको माइलेज अचीव करना है हाईवे पे, अगर वो 75 मेंटेन करे तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो 25 प्लस अचीव कर लेगा। इसका मतलब जो 75 का रेंज है वो स्वीट पॉइंट है, इन्होंने जो फाइंड आउट किया है कि इसके बीच अगर गाड़ी रखोगे तो मैक्सिमम माइलेज आपको मिल सकता है अल्ट्रोज में। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि माइलेज तो अच्छा दे रहा है, लेकिन क्या आपने टैंक टू टैंक चेक करने की कोशिश की? टैंक टू टैंक मैंने नहीं चेक किया, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि जो एमआईडी में माइलेज दिखाता है और जो एक्चुअल में माइलेज है उसमें 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का अंतर है टाटा की गाड़ियों में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अपने डीजल पे 4 बार इसको टेस्ट किया है, वो वीडियो जल्दी आएगी आपके पास, और डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, प्लस माइनस 1 का डिफरेंस है, कभी 1 ज्यादा होता है कभी 1 के एमपीएल कम होता है, ये डीजल की बात कर रहा हूँ।
और नेक्सॉन पेट्रोल अभी किया ने वो टेस्ट करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलेश जी से कि कल भी मौका मिलता है तो उसको टैंक टू टैंक करके देखेगा और एक्चुअल में जो और एमआईडी पे जो माइलेज दिखाता है उसमें कितना डिफरेंस है, अगर वो कर पाए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर। बिल्कुल, मैं अगर नेक्स्ट जर्नी मेरी होगी और डेफिनेटली वो नेक्स्ट टू मंथ में जरूर होगी, तो अगर मैं ऐसे ही करूंगा कि पूरा टैंक टू टैंक पेट्रोल फिल करके वो वहां पे कितना खाली हुआ उस तरीके से कैलकुलेट करके आपको डेटा दे दूंगा। थैंक यू सो मच। सवाल बहुत टफ सवाल और मैं पूछने वाला आपसे, अगर जब आपने अल्ट्रोज ली थी तो क्या निक्सॉन आपके दिमाग में नहीं था, क्योंकि आपने टॉप मॉडल लिया जो करीब 7.5-8 लाख पड़ा आपको, है ना? तो मेरा सवाल ये है कि जब उतना टॉप मॉडल में आप 8 लाख रुपए दे रहे हो तो थोड़ा सा मिला के आपको निक्सॉन मिल जाती, क्या वो दिमाग में नहीं आया? एक्चुअली क्या था, इससे पहले मैं अल्टो चला रहा था, अल्टो में सिर्फ एक फीचर थी, बटन से लॉक हो जाता था, वो भी बाहर से लगवाया हुआ था और रेडियो से चलता था अंदर का म्यूजिक सिस्टम, तो इतना जो कम फीचर में था तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फीचर्स लेने हैं, और टॉप मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए ऑटोमेटिक फोल्डिंग मिरर, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत आती है, ये मुझे भी फील, मैं पार किया, यस पार किया, शीशा सेट किया, जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको कवर किया और जैसे वापिस आए वो किसी ने हाथ से मार दिया, ठीक है, तो इतना टफ था तो मुझे वो तो चाहिए था, ठीक है, डेफिनेटली, तो एक तो उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था मुझे। दूसरा नेक्सॉन डेफिनेटली बहुत अच्छा है, मैंने उसके राइड क्वालिटी देखा तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसने उसमें क्या था, मेरे फीचर्स सारे निकल जा रहे कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हर एक चीज से, तो मुझे लगा कि नहीं फिर इसी पे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं माइग्रेट कर रहा था, अब देखो अल्टो अल्टो से और उसपे अगर इस पे जा रहा हूँ हैचबैक पे, तो ऑलरेडी मैं सोचा चलो एक सेगमेंट ऊपर तो जा ही रहे हैं लेकिन फीचर सारे ले लेते हैं। बिल्कुल, इनका जो मेन पर्पस था उनको फीचर चाहिए था, पावर और इंटीरियर, उसके अलावा फीचर इनको ज्यादा चाहिए था, अल्ट्रोस पे गए। लेकिन मैं दोबारा पूछता हूँ, अगर आपको कोई रिग्रेट होता है, मतलब ऑनेस्टली, क्योंकि आपने अल्ट्रोस ली, निक्सॉन भी ले सकते थे, अभी जो रिव्यूज दिख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, और जैसे बोलते हैं कि टियागो टियागो से ऊपर अल्ट्रोस है, अल्ट्रोस से ऊपर निक्सॉन है, तो क्या अभी क्या आपको ऐसा रिग्रेट लगता है? 1% मैं वैसे 100% सेटिस्फाई हूँ, बहुत खुश हूँ, 1% जो आपकी 2-3 वीडियो आई थी नक्सॉन पे वो देख के लगता था कि शायद ट्राई कर सकते थे, लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाई हूँ, 1% लगता है कि इस पैसे में शायद वो भी मिल सकता था। अच्छा, ठीक है, तो 1% थोड़ा बहुत लगता जरूर है, अगर कोई भी टॉप मॉडल में जा रहा है अल्ट्रोस के, तो एक काम जरूर कीजिएगा, उस 1% को भी आप खत्म कर सकते हो, टॉप मॉडल में 8 लाख 7.5-8 तो दे रहे हो, एक बार निक्सॉन का जरूर टेस्ट ड्राइव ले लीजिएगा, इवन बेस मॉडल भी हो तो चलेगा, तो जो 1% इनका जो इनका अल्ट्रोस बहुत ज्यादा पसंद है, जो 1% है ना, हाँ, वो भी आपका खत्म हो जाएगा, तो शायद ये एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं कि म्यूजिक सिस्टम इसका सबको मालूम है, बहुत अच्छा है, बहुत वंडरफुल, और रास्ते में आते समय हमने यूज किया अच्छे से, मतलब खूब बढ़िया साउंड क्वालिटी वगैरह करके, तो अच्छी बात ये लगती है जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो वैसे वैसे इसके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते, तो वैसे लगता है आपको मोटिवेट कर रहा है कोई अंदर से, तो ये चीज बहुत, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब इसमें अगर आप स्पीकर और सबकी कॉम्बिनेशन देखें तो वो चीज होता है, ये चीज और सब गाड़ियों का कंपेयर करोगे तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज टाटा दे रही तो हम याद भी नहीं करते, और ये सही बताया, टॉप मॉडल पे जरूर फीचर आता है जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि स्पीड के साथ साथ जो वॉल्यूम है गाड़ी का वो बढ़ती जाता है, वो टॉप मॉडल में फीचर आपको जरूर मिलेगा, और वो यूजफुल है, मतलब छोटे अगर नहीं है तो यूज नहीं करोगे, है तो फिर बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, और रेन सेंसिंग वाला भी इसमें जो आया है अभी इस सेगमेंट में यहीं पे इसी में मिल रहा है टाटा अल्ट्रोज में, वो भी काफी यूजफुल है, हाँ, क्योंकि ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह तो और गाड़ियों में भी है, तो अल्ट्रोज में मिल जाएगा वो टॉप मॉडल में, उसके अलावा रेन सेंसिंग जैसे नीलेश भाई ने बताया था जाते से मैंने यूज किया था, बहुत बारिश हो रही थी, वो भी यूजफुल हो सकता है फीचर, अगर आपको फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद है। मैं ये है टॉप मॉडल लेने का ये फायदा है कि मैं ना तो उसकी लाइट कभी ऑन ऑफ करता हूँ, ना तो उसका वाइपर, वो अपने आप जैसे बाहर निकला अपने आप, अगर पानी भी पड़ा है ना तो एक बार वो चला देता है, फिर उसके बाद फिर अगर लाइट का कंडीशन अंडर पास में गया तुरंत ऑन कर दिया, तो इस तरह से बहुत कम्फर्ट हो गया। तो एक बात मैं पूछूंगा, चलो ये तो हमने फीचर्स वगैरह सब बातें कर ली, इसका गियर आपको कैसा लगता है? हाँ, गियर में जैसे कि मुझे तो उतना फील नहीं होता, मेरे लिए मैं कहूंगा ओके ओके या 10 में से देना होगा तो 7-8 के करीब दूंगा, बट जो जिन्होंने वो बलिनो चलाया हुआ है, बलिनो चला के मेरी गाड़ी टेस्ट की सिर्फ ड्राइविंग इसके टेस्ट ड्राइव के लिए, तो उन्होंने बोला कि गियर मुझे थोड़ा सा कम स्मूथ लगा कंपेयर विद बलिनो से, और पिकअप में भी यही सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, बलिनो
का जो गियर है वास्तव में अच्छा है हाँ। और जो बलेनो का इंजन का पावर है वास्तव में अच्छा हाँ, क्योंकि वो फोर सिलेंडर है तो ऑब्वियसली इसलिए। लेकिन एक ही चीज है ना कि हाँ। जो टाटा के पास है सेफ्टी वो सेफ्टी, मैं तो ये कहूंगा यार आप लोग ये मत कहना ये सुन के कि आप बायस हो टाटा के लिए। मैं तो कहता हूँ आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई दूसरा ब्रांड सेफ कार हम जैसे लोगों के लिए कॉमन लोगों के लिए लॉन्च करना शुरू करता है तो आई प्रॉमिस कि मैं उनको डाई हार्ड सपोर्ट करूंगा। सेफ्टी कार अगर वो ले आते हैं टाटा की तरह तो सिर्फ टाटा ही नहीं ना कि एक राइवल हो जाएगा, तो टाटा की जो कार की प्राइस है वैसे कम है लेकिन और कम हो जाएगा, उनका एक अच्छा राइवल आएगा सेफ्टी के साथ। तो अगर कोई दूसरे ब्रांड ये करना शुरू कर दे तो आई एम 100% आई विल सपोर्ट देम फॉर श्योर। तो मैंने जब चलाई थी ना तो जब मैं अपनी निक्सॉन चला रहा हूँ डीजल वगैरह तो जो क्लच इनका जो क्लच का जो डिस्टेंस है प्ले मुझे ना काफी कम लगता है व्हिच इज गुड। और इसके अलावा जो जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो मुझे पसंद आया, आपको कैसा लगता है? स्टीयरिंग के मामले में मैं ये ऐड करूंगा जो वापसी में ना हमने 98 में भी चलाया था तो 100 क्रॉस नहीं किया था हमने, 98 फिक्स कर दिया था कि 100 के नीचे ही रहना है क्योंकि वहां सारे कैमरे वो सब लगे हुआ और अच्छा भी नहीं है उसके ऊपर, बस थोड़ी देर के लिए हमने चलाया था। तो उसमें ना जब गाड़ी स्पीड में थी तो बहुत अच्छा लगा, इसका जो डिजाइन है ये प्रेस करता है आपको कि आप बिल्कुल चिपक के रोड से चलती है। और इवन मैंने देखा है कि वहां कोई बम छोटा मोटा आया ना, जैसे छोटे छोटे फ्लाईओवर वो आते हैं बीच में नदी की जो बनी होती है फ्लाईओवर, तो उसपे भी वो स्मूथ निकल रहा था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कोई पावर है जो आपको प्रेस कर रही है। हाँ, दूसरा स्टेयरिंग काफी हार्ड हो जाती है, जैसे उसमें लगता है काफी वेट हो गया स्पीड बढ़ने का, स्पीड बढ़ने का, जैसे आपको गलती से नहीं, आप गलती से अगर आपने हाथ लग गया और कहीं आपके जाके लग जाए ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो मैं लास्ट सवाल पूछने जाऊंगा निलेश जी से, जो इसका सबसे बड़ा मुझे कौन सा लगता है, लोगों से मिलने को भी लगता है, सुनने को मुझे मिलता है काफी, जो इसका फर्स्ट गियर है ना, फर्स्ट गियर का जो लो एंड आरपीएम है उसमें जैसे आप गाड़ी बढ़ाते हो थोड़ा रैप करके बढ़ तो जाती है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसमें ना गैप आ जाता है, थोड़ा लैग आ जाता है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? मुझे ऐसा फील हुआ और लोगों का भी ये है, लेकिन आपको आपको कैसा लगता है? मुझे जब ये 1000 किलोमीटर चली थी और फर्स्ट सर्विस में गया था, मैंने ये बात बोला भी था उनको, आपको फील हुआ था? हाँ, मुझे लग रहा है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है ठीक है तो थोड़ा सा चलते हैं तो थोड़ा सा रैप फील होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि हो सकता है 2-3 दिन खड़ी है गाड़ी इसलिए हो सकता है ठीक है, लेकिन जब उन्होंने सर्विस करके दिया तो वो चीज बिल्कुल लेस हो गई। मतलब अभी जो मेरा फीडबैक है वो एक आध बार मैंने फील किया हो, अदरवाइज मैंने वैसे फील नहीं किया कि लो आरपीएम पे लिया और थोड़ा सा एक्सीलरेटर दोगे तो आप वो बूम कर जाता है। छोटे हैचबैक है पेट्रोल वाले, उनमें लो एंड जो टॉक है वो थोड़ा कम रहेगा, पावर लैग रहेगा ही क्योंकि हैचबैक है और वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको वो भी नहीं होता तो फिर थोड़ी अगर अच्छी गाड़ी ले जिसमें लैग ना तो उसमें पैसे आपको देने। ऑब्वियसली अभी मैंने जो सुना है कि अभी इसमें टर्बो इंजन आने वाला है, जो इंजन से रिलेटेड लोगों पे शिकायत है मुझे लग रहा है वो दूर अभी दूर हो जाएगी ठीक है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कि जो एट्रोस का डीजल है ना उसका आप रिव्यू कीजिए, लेकिन कोई ओनर मिल नहीं रहा, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कोई ओनर मिल रहा डीजल वाला मैं जरूर इसको मैं शेयर करूंगा क्योंकि टॉक ज्यादा होगा तो जो लो एंड का इशू है ना मेरे ख्याल से डीजल मैंने, में सॉल्व मैंने सुना है, मैंने सुना है शायद यूट्यूब पे किसी वीडियो में सुना है कि जो डीजल है इसका काफी अच्छा है क्योंकि उसमें फिर पावर एकदम से मिलती है। देखिए मेन चीज है ना, पेट्रोल पे अगर आपको माइलेज अचीव करना है विद 5-स्टार सेफ्टी के साथ ठीक है, तो आपको फिर ऐसे इंजन टाटा ने सेट करके दिया कि आपके एवरेज भी निकल जाए। एब्सोल्युटली सही ठीक है, नहीं तो आपका अगर एवरेज 10-12 का आ रहा है तो कोई मैटर नहीं करता। जैसे मेरा जो ओवरऑल जर्नी है पूरा, मतलब मैंने जो सर्विस कराया था तब से अब तक का, उसमें जो एवरेज दिखा रहा है 17 दिखा रहा है, तो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि जितने भी प्रोज थे जितने भी कॉन्स थे जो जो इन्होंने फेस किया वो हमने शेयर कर दिया। और स्पेशली जो जो सिस्टम टच स्क्रीन सिस्टम बहुत बगी है टाटा का, आई एम प्रीटी श्योर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, तो आप अगर यूज करते हो तो आपको भी लगेगा कि वो वास्तव में बगी है, उनको भी सेम फील हुआ। मैं टाटा से रिक्वेस्ट करूंगा अगर टाटा वाला कोई बंदा ये देख रहा है तो प्लीज अपडेट कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग कार को प्रमोट इसीलिए करते हैं कि वो सेफ कार है, हमें कोई टाटा पैसे नहीं देता और नहीं कुछ हो रहा है, सिर्फ इसीलिए हम प्रमोट करके सेफ कार और अच्छी कार है, वैल्यू फॉर मनी कार है, इसलिए हम लोग प्रमोट करते हैं। तो कोई भी अगर गलती होती है छोटा मोटा इश्यू आता है कुछ भी होता है तो वो टाटा तक पहुंचेगा कैसे है? यार पहुंचेगा तब ना जब हम लोग बताएंगे टाटा को, और वो बताएगा कैसे? मैं मीडियम हूँ, आप लोग कंज्यूमर हो, यूज कर रहे हो,
अगर किसी को भी बड़ा छोटे मोटे इश्यूज नहीं है, किसी को बड़ा इश्यू आ रहा है, आपको लगता है कि बड़ा इश्यू, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर हर वीडियो में देता हूँ, कांटेक्ट कीजिए, वो हम आपस में मिलके उस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जो सोशल मीडिया है वो बहुत पावरफुल है आजकल, अगर कंज्यूमर कोर्ट वगैरह के चक्कर काटोगे ना तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया आपको बहुत हेल्पफुल, आपको बहुत हेल्प कर सकता है जहाँ आपको जरूरत हो। तो आप कंज्यूमर हो, मैं मीडिएटर हूँ, और वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको हम फीडबैक देंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। जब उसको पता ही नहीं होगा जो कार मैन्युफैक्चरर है, तो वो कैसे इम्प्रूव करेगा। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है, मिलके हम फीडबैक देंगे। और जैसे सब लोग कहते हैं कि देश की कार है टाटा कार, तो अगर कल के दिन कोई दूसरा जो मैन्युफैक्चरर है वो भी सेफ्टी कार बनाना शुरू करता, हम सपोर्ट करेंगे। कल के दिन अगर टाटा सेफ कार जो बनाना बंद कर देता है, तो हम भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। सो थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। इससे पहले भी उन्होंने एक रिव्यू दिया था जो सर्विस सेंटर के बाहर पकड़ लिया था मैंने उनको, लेकिन इनका नेचर मुझे बहुत पसंद आया, तो हम कॉन्टेक्ट में है। सो बहुत सारी चीजें हम साथ में करने की सोच रहे हैं। सो यही था आज का रिव्यू, होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप अल्ट्रॉज लेना चाहते हैं तो ये रिव्यू आपको हेल्प कर सकता है। तो आपसे मिलते हैं किसी एक इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय बाय, नमस्ते।